मेजबान मोहम्मद असलम खोखर और आज हम मौजूद हैं शोरकोट। जी जनाब, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयरबेस है शोरकोट, और यहाँ पर आज एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब जो है वो मेराज तैयारों के 50 साल मुकम्मल होने पर की गई। कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये जहाज़ों की जो तकरीब थी, उस हवाले से आज यहाँ पे जहाज़ों को डिस्प्ले भी किया गया है। आज इस तकरीब के जो मेहमान खसूसी थे वो थे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, और वो आज यहाँ पे आए, उनको परेड इस्लाम भी पेश किया, और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक फ्लैग होता है वो देना होता है, जो कि 22 और 27 जो इनकी फॉर्मेशन है PF पाकिस्तान एयरफोर्स की, उनके जो कमांडर्स हैं उनको दिया जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये तमाम मेराज तैयारे हैं, इनमें मॉडिफिकेशन भी होती रहती है, और इसी हवाले से आज जो है वो जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को सलामी दी गई, तो उसमें जो है वो ज़रार फॉर्मेशन जो कि मॉडिफिकेशन थी जो थी, उसके साथ साथ यहाँ पे उनको सलामी दी गई। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आज वो पायलट भी मौजूद थे। एक तो ये मेराज जो है तैयारों की आज 50वीं सालगिरह जो नहीं हो सकी क्योंकि कोविड का मसला था, और फिर 2019 में जो भारत के साथ कशीदगी हमारी हुई थी जो उसकी वजह से मुलतवी हुई, तो आज उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया। वैसे इसको 52 साल हो गए हैं इन मेराज तैयारियों को। यहाँ पे जब ये यहाँ पे आए थे तो इसी तरह एक बड़ी तकरीब का जो है इनका भी किया गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि 27 फरवरी 2019 को जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जहरियत का मुजाहरा किया, तो और उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में कहा कि हम पाकिस्तान में घुसे हैं, लेकिन बाद में इन तैयारों के पाकिस्तान ने उनको ये बताया कि हम भी कर सकते हैं, तो आज यहाँ पर वो तमाम पायलट्स जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर इस तकरीब का बुनियादी मकसद भी जो कि ऑपरेशन था जो 27 फरवरी 2019 को किया गया, जिसका नाम स्विफ्ट रिटॉर्ट था, जिसमें पाकिस्तान ने जाकर भारत के जो 6 जो उनके मेन हसास जगह थी उनको लॉक किया, और फिर उनको जाकर बताया कि वी कैन डू इट, और पाकिस्तान ने ऐसा करके भी दिखाया। बाद में जब अभिनंदन क्योंकि फॉर्मेशन होती हैं, तो अभिनंदन जब पाकिस्तान की तरफ आया तो यहाँ से उनके तैयारों को हिट किया गया, और 2 तैयारे, एक पाकिस्तान में गिरा और एक जो है वो जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसमें जाके गिरा था। तो अभिनंदन था, तो अभिनंदन को फिर हमने चाय भी पिलाई थी जनाब, चाय भी बड़ी मजे थी क्योंकि उस चाय का एतराफ दुश्मन ने भी किया था कि टी इज फैंटास्टिक, तो आज तक वही टी जो है वो भारत को भी याद है, और पाकिस्तानियों ने याद भी करवाया कि चाय भी हम बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, मेहमान नवाजी भी बड़ी मज़ेदार करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखता है तो फिर उसको हम जवाब भी देते हैं, और जवाब फिर यहीं पर नहीं बल्कि उनके घर में घुसकर उनको बता दिया जाता है कि जनाब ऐसे होता है घर में घुसना, और फिर ऐसा होता है किसी को जवाब देना। तो ये जो मेराज तैयारे हैं हमारा फ़ख्र हैं, हमारे पाकिस्तान की शान है, ये तमाम तैयारे आज इन्हीं की खराज तहसीन पेश करने के लिए जो तकरीब का एहतमाम किया गया था। बड़ी पूर्वकार तकरीब थी जो कि शोरकोट में यहाँ पे हुई, और इस तकरीब में पायलट्स भी वो जो उन्होंने ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था वो भी यहाँ पर शामिल थे, यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर वो भी तमाम लोगों से भी मिले, और इसके साथ साथ आर्मी जो एयर चीफ है वो भी यहाँ पर आए थे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए दुआएं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए दुआएं कि जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन रखा हमेशा, और वक्त आने पर हमने देखा कि मुसल्ला अफवाज जो है वो हमेशा तैयार ही नज़र आई, तो पाकिस्तान फ़ौज भी तैयार है, और भारत खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तरह उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, आपके मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।